जया जोन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कातला फिश की फिश करी। इसमें एक दो छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, उसको अगर ध्यान रखिएगा तो आपकी मछली का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मैं मछली थोड़ा कम तेल में बनाई हूँ, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। मैं क्योंकि कम तेल में ही बनाती हूँ इसलिए मैंने कम तेल में बनाया है, और मैं जैसे बनाती हूँ मैंने वैसे ही आपको सिखाया है। फिश करी में आलू अच्छे लगते हैं, तो कतला माछ की फिश करी में पहले हम आलूओं को छील लेंगे और छील कर काट लेंगे। आलू को थोड़े बड़े साइज में काटेंगे। आलू थोड़ा बड़ा है, एक आलू के 8 टुकड़े होंगे। एक पीस लगभग 1.5 इंच के बराबर होगी। अगर आलू छोटा है तो आधा आधा कर दीजिएगा। मछली को मैंने नींबू, हल्दी, नमक और सरसों के तेल से मैरिनेट किया हुआ है। मछली को धोना और मैरिनेट करना हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। कतला मछली के 8 बड़े साइज़ के पीसेस हैं और 3 बड़े आलू हैं। इसमें 2 बड़े टमाटर लगेंगे। 2 बड़े टमाटर को स्क्वायर स्क्वायर काट लेते हैं। 5 हरी मिर्च थोड़ा लंबा लंबा काट लेंगे, चाहे तो सिर्फ बीच से चीरा लगा कर भी रख सकते हैं। अब हम गैस जला लेंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। सबसे पहले हम आलूओं को भून लेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी मछली बनाइए, बनाइए हमेशा सरसों के तेल में ही, स्वाद अच्छा आता है। मैं पहले आलू तल रही हूँ, उसके बाद मछलियाँ तलूँगी। हम मछलियों को भी पहले तल सकते हैं और उसी तेल में फिर आलू भी तल सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। मैं अभी थोड़े से तेल में आलूओं को तल के पहले निकाल लेती हूँ। आलू लाल हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे मछलियों को तलने के लिए। मछलियाँ तलते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, और दूसरी बात यह, जब मछलियों को तेल में डालेंगे तो मछलियों का जो स्किन वाला पोर्शन होता है वो पहले तेल की तरफ डालेंगे। इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि मछलियाँ एक के ऊपर एक नहीं होंगी, तेल में एक बार में जितनी मछलियाँ अट जाएं उतनी ही मछलियाँ डालेंगे। एक साइड थोड़ा लाल होने पे उसको पलट देंगे, दूसरे साइड को तलेंगे। मछलियाँ तलते समय कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं होनी चाहिए। कच्ची रहने से थोड़ी महक होती है, और बहुत ज़्यादा लाल रहने पे क्या होता है कि जब रस्से में हम डालेंगे तो मछलियाँ सॉफ्ट नहीं होंगी। मछलियाँ अगर चिटकने लगे तो हल्का सा ऊपर से ढक्कन लगा देंगे ताकि अपने ऊपर छींटा ना आए। मछलियाँ तल चुकी हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम बाकी मछलियों को भी डाल देते हैं। इस तरह से सभी मछलियों को तल करके निकाल लेते हैं। मछलियों को तल लेने के बाद कढ़ाई में जो तेल बचेगा उसमें हम डालेंगे खड़ा ज़ीरा, तेज़पत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल पिसी मिर्च। नमक डाल देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटर डाल देंगे और डाल के थोड़ी देर ढक देंगे, टमाटर को नरम होने देंगे। टमाटर नरम हो रहे हैं, अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल न छोड़ दें। मसाला अब तेल छोड़ने लगा है, इसमें हम अब आलू डाल देंगे और आलू को डाल करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि आलू नरम हो जाए। मछली डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक खौलाते नहीं हैं, इसलिए आलू को पहले अच्छे से नरम कर लेना ज़रूरी होता है। धीमी आंच में मैंने थोड़ी देर के लिए आलू को छोड़ दिया था ढक करके। आलू अब गल चुके हैं। मसालों का बहुत अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है, इसमें थोड़ा सा भी कच्चा महक नहीं होना चाहिए मसाले में। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी हम उतना डालेंगे जिसमें कि आलू अच्छे से डूब जाए, क्योंकि इसमें भी मछलियाँ भी पड़ेंगी तो थोड़ा सा आलू से ऊपर पानी रहेगा।
पानी डाल के इसको अच्छे से खौलने देते हैं। ग्रेवी अच्छे से खौल गया है, आलू भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मछलियों को डाल देते हैं। मछलियाँ डालने के बाद कढ़ाई को ढकना नहीं है, ढकने से मछलियाँ गल जाती हैं। मछलियों को आराम से रस्से में डालेंगे और डुबो देंगे। इसके बाद ग्रेवी को अच्छे से खौलने देंगे थोड़ी देर के लिए। 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे। बस थोड़ी देर तक इसको खौला लेंगे, ढक्कन खुला रहेगा और थोड़ी देर बाद हम गैस को बंद कर देंगे। मछलियों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खौलाना होता है। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपने अनुभव जयाज़ ज़ोन में शेयर कीजिए।